To get latest content, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to never miss another update. Hello friends, welcome you all again on my YouTube channel, Your Knowledge Vault. तो हम साइटोकाइन रिलेटेड डिजीजेज़ के बारे में पढ़ रहे थे. एक पार्ट आप देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे भी जाकर देख लीजिएगा. आज हम जो डिजीजेज़ हमने वहाँ कवर की थी उससे आगे बढ़ेंगे और कुछ डिजीज़ के बारे में देखेंगे. ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. रूमेटॉइड आर्थराइटिस और RA, ये एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें स्टिफनेस, पेन या सिमेट्रिकल साइनोवाइटिस, ऐसे हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. साइनोवाइटिस का मतलब है साइनोवियल फ्लूइड जो कि जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन देखने को हमको मिलता है. तो ये होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और RA के अंदर ये इसके सिम्टम्स हैं. ये क्या होता है, बोथ एंटीजन स्पेसिफिक और एंटीजन नॉन स्पेसिफिक, यानी नॉन एंटीजन स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स इसके पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होती है. टी सेल्स जो कि HLA-DR4, HLA के बारे में आपने सुना होगा. HLA जो ह्यूमन MHC होते हैं उनको हम HLA कहते हैं क्योंकि वो HLA जीन्स से एक्सप्रेस होते हैं, और माउस के अंदर हम इसी MHC को H2 कहते हैं. तो HLA-DR4 जिनके अंदर की एपिटोप जो होते हैं वो हमारे MHC क्लास 1 और क्लास 2 से वो सिमिलैरिटी शेयर करते हैं. तो उस तरह की जो टी सेल्स होती हैं उनसे ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस शुरू होता है. ये टी सेल्स के जो एंटीजन्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि MHC जो होता है वो एंटीजेंस को प्रेजेंट करता है, MHC-1 और MHC-2 दोनों ही एंटीजेंस को प्रेजेंट करते हैं. तो ये जब MHC एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं तो टी सेल इसमें जो HLA-DR4 जो एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है वो वायरल या बैक्टीरियल प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कि नॉर्मली हमारे MHC-2 में होता है. स्टिमुलेटेड टी सेल्स जो है वो सेल्फ एंटीजेंस के साथ फिर क्रॉस रिएक्ट कर जाते हैं, यानी ये जो टी सेल एंटीजन है, यानी कोई भी वायरल या बैक्टीरियल प्रोडक्ट, ये एक बार टी सेल को सेंसिटाइज कर देता है, उसके बाद में कोई भी सेल्फ एंटीजन से भी ये क्रॉस रिएक्ट कर जाते हैं और फिर एक्टिवेशन हो जाता है मैक्रोफेजेस का, और उसके बाद हमें इंटरफेरॉन गामा जैसे साइटोकाइंस का सिक्रेशन देखने को मिलता है. और इंटरफेरॉन गामा फर्दर क्या करता है, इंटरफेरॉन गामा रिस्पॉन्सिबल है TH1 सेल्स के डिफरेंशिएशन के लिए, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और TH1 सेल्स फर्दर और साइटोकाइंस रिलीज करता है. नॉन एंटीजन स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स की जब हम बात करते हैं तो ये जो नॉन एंटीजन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि एंटीजन्स की स्पेसिफिसिटी इसमें कुछ पर्टिकुलर नहीं होती है, और ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन या माइनर ट्रॉमा अगर कभी जॉइंट्स में हुआ हो, या वैक्सीनेशन या एलर्जिक रेस्पॉन्सेज या लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्स रिपोजिशन, इस तरह के किसी भी रिएक्शन से ये एक्टिवेट हो सकते हैं. और इसमें TNF-alpha, GM-CSF फ्रॉम साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट, साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं उनसे ये साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, और वहाँ पर जो माइक्रोफेजेस प्रेजेंट है हमारे जॉइंट्स में, वहाँ से ये जो फाइब्रोब्लास्ट और माइक्रोफेजेस की प्रेजेंस की वजह से TNF-alpha और GM-CSF ये साइटोकाइंस रिलीज होते हैं. एंटीजन स्पेसिफिक या एंटीजन स्पेसिफिक किसी भी तरह के एक्टिवेशन से जब इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये ब्लड से होकर के और साइनोवियल स्पेस में मूव करती है. वहाँ पे ये कुछ साइटोकाइंस रिलीज करती हैं और उससे एक्टिवेटेड जो मैक्रोफेजेस हैं वो फर्दर TNF-alpha, interleukin-1, GM-CSF और interleukin-8, ये जो साइटोकाइंस होते हैं इनको रिलीज करती है. इनसे क्या होता है कि साइनोवियल पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स जो हैं उनके अंदर जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स वही चीज़ है कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो ब्लड कैपिलरीज है उनकी जो एंडोथीलियल लाइनिंग है उसके ऊपर एडिशन मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमने पढ़ा है VCAM-1, ICAM-1, इस तरह के कुछ एडिशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सप्रेस होने लगते हैं, उनकी एक्सप्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. और न्यूक्लिएटेड सेल्स जो ब्लड में है वो इन स्टिमुलेटेड एंडोथीलियल सेल से अटैच हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ IL-8 साइटोकाइंस के इन्फ्लुएंस की वजह से. तो मेजर जो कीमोकाइन है, IL-8 के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि IL-8 एक ऐसा साइटोकाइन है जो कि एक कीमोकाइन भी होता है. तो IL-8 और MIP-1 alpha, MIP-1, MIP-1 alpha, ये MCP-1 एंड जो ये सारे जो कीमोकाइन्स है ये मैक्रोफेजेस और फाइब्रोब्लास्ट रिलीज़ कर रही है. तो इस तरह के जो
बहुत सारे साइटोकाइंस यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, डेंड्रोसाइटिक डेंड्राइटिक सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, सभी तरह की सेल्स इसमें इन्वॉल्व हो रही है ये, और ये अलग अलग तरह के साइटोकाइंस रिलीज़ कर रही हैं। जैसा कि मैं आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ से जो इम्यून सेल्स हैं ये माइग्रेट होकर के साइनोवियल स्पेस में जा रही है, वहाँ पर अलग अलग ये अपना अपना साइटोकाइन रिलीज़ करती है और इनके अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं। पर्टिकुलर जो मेन इनका इफेक्ट होता है वो होता है साइनोवियल फ्लूइड, यानी कि साइनोवियल जो जॉइंट्स हैं उनका आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये इसकी पूरी मैकेनिज्म होती है कुछ इस तरह से। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रेन में अगर साइटोकाइंस की बात की जाए तो ब्रेन के अंदर कौन कौन से साइटोकाइंस जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखेंगे IL-1, IL-6, TNF और interleukin-17, ये जो इम्पॉर्टेंट साइटोकाइंस है कुछ, इनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है IL-1, और ये माइक्रोग्लियल एक्टिवेशन इनकी वजह से हमें देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूरोलॉजिकली इंटैक्ट पेशेंट्स हैं, यानी जो बिल्कुल सही हैं न्यूरोलॉजिकली, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज के साथ साथ उनके अंदर भी IL-1 का जो एक्सप्रेशन है वो इंक्रीज़ होने लगता है। सच एज रिलेटेड इंक्रीज साइटोकाइंस लेवल में रिजल्ट इन इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूरोजेनरेटिव रिस्पॉन्सेज। और इस IL मतलब कहने का मतलब यह है कि जो नॉर्मल पेशेंट नहीं है, जो नॉर्मल पर्सन है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज के साथ साथ उनमें भी IL-1 का जो हमको एक्सप्रेशन है वो इंक्रीज देखने को मिलता है, और उसकी वजह से फिर उन्हें न्यूरो डीजेनरेटिव रिस्पॉन्सेज उनके अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो IL-1 का इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस या MS की बात करें तो ये भी एक ऑटो इम्यून न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज़ होती है, जो कि CNS में वाइट मैटर और ग्रे मैटर जो सब जानते हैं, तो वाइट मैटर की एक डिजीज़ होती है। इसके अंदर वाइट मैटर में प्लाक्स का जनरेशन देखने को मिलता है और यही इसका पैथोजेनेसिस कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि साइटोकाइंस इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं interleukin-6 और इंटरफेरॉन गामा। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं वाइट मैटर में ब्रेन के अंदर, और इसकी वजह से प्लाक्स क्रिएट हो जाते हैं। और IL-17 भी देखा गया है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स के लेशंस में, हमें IL-17 भी देखने को मिला है। फर्दर डायग्राम की हेल्प से अगर इसे हम समझने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि डेंड्राइटिक सेल्स है यहाँ पे, देख सकते हैं कि डेंड्राइटिक सेल है, ये कोई भी टी नेव सेल है, यानी कि ये T0 सेल है, अभी डिफरेंशिएट नहीं हुई है वो इंटर, जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस साइटोकाइंस दे कैन डिफरेंशिएट इनटू मल्टीपल सेल्स, दे कैन डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ TH सेल्स। तो interleukin-12 इंटरफेरन गामा ये TH1 का डिफरेंशिएशन करवा रहा है, interleukin-6 और TGF-beta TH2 का, और TGF-beta जो है वो टी रेगुलेटरी सेल का डिफरेंशिएशन करवा रहा है। ये फर्दर आगे और साइटोकाइंस का रिलीज़ करते हैं, जैसे कि इंटरफेरॉन गामा TH1 से रिलीज़ हो रहा है, TH17 से interleukin-17, interleukin-21 और interleukin-22, जबकि टी रेगुलेटरी सेल से IL-10, जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक हमारा साइटोकाइन है, जिसे जो कि हम सब जानते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है, तो ये रिलीज़ करवा रहा है। इसके अलावा TGF-beta, तो ये जो BBB यानी ब्लड ब्रेन बैरियर है वो हमारा ब्रेक हो जाता है इनकी वजह से, माइक्रोग्लिया का एक्टिवेशन हो जाता है जो मैंने आपको पहले बताया, और इसके अंदर टी सेल होमिंग और ऑलिगोडेंड्रोसाइट डेथ हमको देखने को मिलती है। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो हैं, कीमोकाइंस हैं, IL-8 वगैरह, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन के सप्रेशन के लिए भी IL-10 यानी एक बैलेंस हमको देखने को मिलता है, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और IL-10 की जो एक्टिविटी है वो कम होती है तो हमें ये रिजल्ट्स देखने को। अल्जाइमर डिजीज़ की बात करें तो ये एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ है, एक डिमेंशिया की फॉर्म है, मोस्ट कॉमन डिजीज़ नहीं है, बहुत ही कम लोगों में होती है, लेकिन एज्ड पॉपुलेशन में हमको जनरली देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोग्रेसिव मेमोरी डेफिसिट हमको देखने को मिलता है, इसके अलावा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी पहचानने में उनको दिक्कत होती है, पर्सनैलिटी चेंजेस उनको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो साइटोकाइंस का रोल है इसके बारे में अभी भी जो रिसर्च है वो गोइंग ऑन है, मतलब चल रही है, लेकिन इसमें प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे कि interleukin-1 alpha और interleukin-1 beta, इसके बारे में ये जानकारी मिली है कि कुछ interleukin-1 alpha और interleukin-1 beta ये है, इनका रोल इसमें हो सकता है।
अगर डायग्राम की मदद से हम इसे देखने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि हेल्दी जो एजिंग होती है उसके अंदर सब कुछ हमें हेल्दी देखने को मिल रहा है। हेल्दी एस्ट्रोसाइट्स हैं, हेल्दी माइक्रोग्लिया, न्यूरॉन्स वगैरह, जंक्शंस वगैरह पूरे यहाँ पे जो है वो एकदम टाइट हैं सेल के अंदर। एंडोथीलियल सेल्स, ब्लड कैपिलरी की जो सेल्स हैं वो सब एकदम सही है। लेकिन अगर हम जाते हैं अल्जाइमर डिजीज़ के ब्रेन की तरफ, अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं वो यहाँ पे डैमेज हो गई हैं। और उसका जो रीज़न है, ये देखिए, टी सेल से कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ हो रहे हैं। ये जो साइटोकाइंस है, क्योंकि यहाँ पे पैथोजेंस भी हो सकते हैं, कुछ माइक्रोग्लिया को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, ये भी साइटोकाइंस रिलीज़ कर रही है, ये भी हमें पैथोजेंस देखने को मिल सकते हैं, ये भी टी सेल्स को एक्टिवेट करके कुछ साइटोकाइंस इस तरह से रिलीज़ करवा रही है जो डैमेज को, सॉरी, न्यूरॉन को डैमेज कर रही हैं, और इसकी वजह से हमें अल्जाइमर्स डिजीज़ देखने को मिलती है। तो ये जो साइटोकाइंस है इनके बारे में अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन इंटरलेक्न 1 अल्फ़ा और इंटरलेक्न 1 बीटा इसके बारे में कहा गया है कि ये इनका कुछ रोल यहाँ पर देखा जा सकता है। फाइब्रोसिस, अगर फाइब्रोसिस की बात करें तो आपको जो इम्पोर्टेंट साइटोकाइन इसमें देखने को मिलेगा वो होगा हमारा TGF-beta। तो हम देखते हैं, देखिए TGF-beta जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TGF-beta हर तरफ से TGF-beta जो है वही मायोफाइब्रोब्लास्ट के ऊपर इफ़ेक्ट अपना डाल रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, तो जो सारी सेल्स हम देख सकते हैं, जो एपिथीलियल सेल्स हैं, वेट अ मिनट, जो एंडोथीलियल सेल्स, एपिथीलियल सेल्स, टिश्यू फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट्स, ये सब TGF-beta इसके अंदर रिलीज़ कर रही है। और TGF-beta जो है ये एक प्रोबायोटिक ग्रोथ फैक्टर है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से रेगुलेट होता है, ECM से के ऑपरेशन से ये रेगुलेट होता है। और इनकी वजह से पैरासाइट्स, फाइब्रोब्लाइट्स के ऊपर, फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर एक इफेक्ट पड़ता है, और यहाँ पे क्या होता है, कोलाजन का ओवर प्रोडक्शन और टिश्यू फाइब्रोसिस हमको देखने को मिलता है। कुछ और डिजीज़ हैं जैसे कि सोरियसिस वल्गैरिस, सोरियसिस अर्थराइटिस, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन एंड जॉइंट्स ये देखने को मिलता है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल साइटोकाइंस हैं वो है इंटरलेकिन 17 और इंटरलेकिन 22। स्ट्रोक रिलेटेड इन्फेक्शन में हमें TNF-alpha की प्रेजेंस देखने को मिलती है, जबकि आर्सेनिकोसिस ये एक हाइपरकेरेटोसिस और स्किन कैंसर का एक टाइप है, जिसमें हमें IL-8, TGF-beta, TNF-alpha और GM-CSF का इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। तो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हमें IL-10 जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी या हम कह सकते हैं इम्यून सप्रेसिव साइटोकाइंस हैं, इन्हें देखने इनका जो रोल है वो हमें इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ में साइटोकाइंस का अलग अलग लेवल और डिफरेंट टाइप के साइटोकाइंस का जो रेगुलेशन है कि किस तरह से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितना उनका लेवल है, इंक्रीज लेवल है या डिक्रीज लेवल है, उस लेवल से हमें उस डिज़ीज़ की पैथोजेनेसिस देखने को मिलती है कि उस डिज़ीज़ में कितना इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। एक चीज़ यहाँ जो नोट करने लायक है वो ये कि कोई भी साइटोकाइन कभी भी अकेले कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि साइटोकाइंस का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, साथ में बहुत सारे साइटोकाइंस वर्क कर रहे होते हैं। तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है कि कौन सी डिजीज़ के अंदर किस तरह के सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि साइटोकाइंस का लेवल सब में वेरी करता है। क्योंकि हो सकता है कि जिस जो रिस्पॉन्सिबल साइटोकाइन है उसके लिए वो कुछ और साइटोकाइन से मिलकर किसी तरह का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो कर रहा हो, तो सिम्टम्स कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो मेनली जो हम कह सकते हैं कि जो ये स्टडी की गई है कि कौन से साइटोकाइंस का रोल होता है किसी भी डिजीज के अंदर, वो कभी भी एक तरीके से कंप्लीट नहीं मानी जा सकती। इसके अंदर बहुत ही क्यूमुलेटिव इफेक्ट होते हैं दूसरे साइटोकाइंस के भी। तो ये सब के मिला करके हम कहते हैं कि किसी डिजीज़ ने कुछ सिम्टम शो किया है। तो एक तरीके से क्यूमुलेटिव इफेक्ट के बारे में जो मैं कह रही थी कि एक पर्टिकुलर साइटोकाइन को कभी भी असाइन नहीं किया जा सकता कि इसकी वजह से इस डिज़ीज़ का सिम्टम शो हो रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ साइटोकाइन रिलेटेड डिजीज़ के बारे में मैं ये ख़त्म करने जा रही हूँ वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर शेयर कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए। चैनल को फॉलो करना मत भूलिए, और कुछ भी जो आपको लगता है कि कमेंट करना चाहिए, कुछ आपको पूछना है या कुछ और जानकारी आपको चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।